अरे ओ छोटी सरवाइन, इधर आओ जरा। एक बात तो बताओ, कल काहे नहीं आई तुम कीर्तन में? हाँ, बड़ी बिजी रहती हो, ऐसा भी का काम करती हो भाई? चुन्नु मुन्नु तुम्हारे चले जाबे हैं स्कूल, हमारा सोनू चला जाता है ऑफिस, उसके बाद क्या काम है भाई तुम्हें? दस दस बाइयां और जो लगा रखी है झाड़ू पोछे के लिए। हाँ, घर का इतना काम होता है, हमें देखो सारा घर संभालती है अकेली। उसके बाद भी कोई भी गली का, मोहल्ले का कोई भी फंक्शन हो, हम जरूर अटेंड करती हैं, कभी ये बहाना नहीं बनाती कि हम बिजी हैं। हाँ, और वो तुम्हारी जिठानी? अच्छा, ऑफिस गई थी? हाँ भाई, काम करने वाली औरतों का तो हाल ही मत पूछो, बहुत काम होता है उनको, बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो कहाँ ये गली कूचों के फंक्शन अटेंड करती रहेंगी। हाँ, क्या हुआ, दिल पे लगी? आई नो, थोड़ी तो लगती है। फिर हम क्या करते हैं, दिल पे लगा लेते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं। तो आज इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद आपको क्या करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर दो कैटेगरीज को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप में दोनों कैटेगरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे हम घर पर रहने वाली फ़ीमेल्स की बात करें या फिर वर्किंग फ़ीमेल्स की बात करें, दोनों के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम विमेन हैं, हमारे पास ये सुपर पावर होती है कि हम घर और बाहर सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हैं। सो इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो घर पर फीमेल्स रहती हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जो भी बातें मैं करने वाली हूँ वो मेरे अपनी ओपिनियन है, जो भी मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके बेसिस पर आज का वीडियो है। तो ये ना समझे कि ऐसा यूनिवर्सली होता है और हर जगह होता ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपने ये बातों को सुना और दिल पर लगा लिया और फिर आप मायूस हो गए। अब आप मुझसे कहेंगे कि मायूस ना होए तो क्या करें, सारा दिन घर पर ही तो रहती हूँ, सारा काम देखती रहती हूँ, बस घर का ही तो काम देखती हूँ, और क्या करती हूँ मैं? अरे भाई, आप घर का काम देखते हो, आप सारा दिन घर संभालते हो। अगर मैं अपना चाइल्डहुड वाला टाइम याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर अगर एक दिन भी घर पर नहीं होती थी या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो घर इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि उन्होंने मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल बना दिया था कि मैं सब कुछ देख सकूँ, लेकिन जो भी घर की एक मेन फीमेल होती है उनके बिना घर को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी बातें आप अक्सर सुनती रहेंगी। अच्छा, एक फैक्ट और आपको बता देती हूँ कि जो लोग वर्किंग हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप ये कहेंगे कि अरे हमारे लिए भी बातें होती हैं। तो लोग कहीं पर भी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सोसाइटी है, लोग अगर चार लोग बैठते हैं तो चार तरह की बातें होती हैं। अगर आप घर पर रहती हैं और आपके बारे में कुछ बातें हो रही हैं कि ये करती क्या है, घर पर ही तो रहती है सारा दिन, उसी तरह से सेम वे जो वर्किंग है उनके लिए भी बात होती होगी कि ये तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, घर तो संभालती ही नहीं है। तो जस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तो अपने आप के लिए आप अच्छा फील कीजिए कि एक दिन अगर आप घर पर नहीं होंगी तो घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक दिन आप वेकेशन लो, घर पर ही रहो लेकिन कोई काम ना करो, पूरा दिन आप ये सोचो कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, आज मेरी छुट्टी है। उसके बाद जब रात हो जाएगी तब आप देखो कि आपके घर का क्या हाल हुआ है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर आप घर पर रहती हैं तो घर पर रहने वाली फीमेल्स को तो वो एक दिन का ऑफ भी नहीं मिलता, जो बेसिक काम है वो तो करने ही करने हैं। तो इसीलिए अपने आप के लिए आप अच्छा फील कीजिए, हमेशा अच्छा फील कीजिए। अच्छा, दो तरह के लोग होंगे जहाँ पर फीमेल्स ये सोचती होंगी कि मैं खुश हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, मैं मुझे कुछ और नहीं करना है, मेरा जो रूटीन है बिल्कुल सेट है, मैं आराम भी कर लेती हूँ, घर पर भी ध्यान दे देती हूँ, बच्चों पर भी ध्यान दे देती हूँ, फैमिली मेम्बर्स पर भी ध्यान दे देती हूँ, और क्या चाहिए, सोशल भी हूँ और क्या चाहिए। अगर आप उस सोच के हैं तो वेरी गुड, ऐसे ही रहो। लेकिन अगर ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं पहले जॉब किया करती थी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, या मैं बाहर जाऊँ भी तो मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो अब उतना नहीं रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर मैं कुछ ऐसे घर बैठने वाले काम, ऐसे प्रैक्टिकल वेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आप घर बैठ के कर सकते हो,
उनमें से आप कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको गैदर करना पड़ेगा। सारे जो रास्ते हैं वो आपके आसपास ही हैं, आपको खुद से उन चीज़ों को ढूंढना है, खुद से ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक्चुअली जो आपका पोटेंशियल है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो जो था वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मुझसे और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।